हेलो स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 9th क्लास का 4th चैप्टर है, फ्रॉम पोइट्री इंडियन व्यूअर्स, कंपोज बाय सरोजनी नायडू। तो सबसे पहले हम पोइट्स के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट अबाउट द पोइटिस। सरोजनी नायडू वॉज अ बंगाली बाय बर्थ बट शी रोट इन इंग्लिश। तो जो सरोजनी नायडू हैं वो उन्होंने कंपोज किया है इस पोएम को इंडियन व्यूअर्स को। वो इसकी रचयिता हैं और वो बंगाली हैं, उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन वो जो लिखती हैं, जो पोएम लिखती हैं वो इंग्लिश में लिखती हैं। शी इज़ डिस्क्राइब एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्हें भारत की बुलबुल कह के पुकारते हैं क्योंकि उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही मीठी है, बहुत अच्छी है। शी इज़ द मॉडर्न मीराबाई। उनको मॉडर्न मीराबाई भी कहते हैं। शी टुक एक्टिव पार्ट इन ए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके पार्ट लिया था। शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आफ्टर फ्रीडम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वो नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी और जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। अबाउट द पोएम। द पोएम इज़ अबाउट इंडियन व्यूअर्स। इट डिस्क्राइब द 3 स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। तो इस पोएम में सरोजनी नायडू ने जो है भारतीय जुलाहों, व्यूअर्स मीन जुलाहे होता है जो बुनकर होते हैं, बुनाई करते हैं, तो इस पोएम में उन्होंने भारतीय जुलाहों के बारे में डिस्क्राइब किया है और उन्होंने बताया है 3 स्टेज ऑफ मेंस लाइफ, यानी कि जो मनुष्य है उसकी 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, फर्स्ट इज़ बर्थ यानी कि जब जन्म होता है, सेकंड मैरिज होती है एंड फिर लास्ट में डेथ होती है। मॉर्निंग इंडिकेट बर्थ, जो सुबह है वो बर्थ को इंडिकेट कर रहा है। इवनिंग इंडिकेट मैरिज, और जो शाम है वो मैरिज को इंडिकेट करती है। एंड नाइट इंडिकेट डेथ, और जो रात है वो डेथ को इंडिकेट कर रही है। द पोएम इज़ इन अ डायलॉग फ्रॉम द पोइटिस पुट सम क्वेश्चन टू द व्यूअर्स। तो यानी ये जो एक कन्वर्सेशन आप कह सकते हैं कि डायलॉग फॉर्म में है ये पोएम, तो कन्वर्सेशन बिटवीन सरोजिनी नायडू एंड व्यूअर्स। तो वो क्वेश्चन कुछ सम क्वेश्चंस पूछती हैं, कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हैं टू द व्यूअर्स से। तो जुलाहों से वो क्या क्वेश्चन पूछती हैं, किस तरह से पूछती हैं, तो उसी को हम उनके जो क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट के बारे में और क्वेश्चंस वो क्या कैसे पूछती हैं व्यूवर्स से, उन्हीं को हम इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, व्यूवर्स लिविंग एट द ब्रेक ऑफ डे। व्यूवर्स जुलाहे, वीविंग मतलब बुनना, वही एट ब्रेक ऑफ डे यानी कि जब दिन की शुरुआत होती है। वो पूछती हैं कि जुलाहे, ये सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत में तुम बुन रहे हो, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे। ये मतलब होता है सो गे मतलब बहुत ब्राइट, चमकीला, गारमेंट मीन्स पोशाक या ड्रेस। तो पूछती हैं वाई डू यू वेव, तुम क्यों बुनते हो ये बहुत चमकीला सा पोशाक और इतनी सुबह सुबह। ब्लू एज अ विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, सॉरी, वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो उन्होंने पूछा कि एक हेल्सियन, एक जो जंगली है वो पक्षी है, उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो बिल्कुल ब्लू कलर के हैं। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हेल्सियन पक्षी के पंख की तरह ब्लू ब्लू, ये तुम ब्लू ड्रेस बहुत जो चमकीला है वो सुबह सुबह किसके लिए क्यों बोलते हो। तो वो बोलते हैं, जो वेवर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं कि वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। वो बताते हैं कि हम एक जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, उसके लिए हम लोग ड्रेस बुन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं वो फिर, व्यूवर्स जुलाहे, वीविंग एट अ फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, शाम आने वाली है, शाम में तुम ये क्या बहुत चमकीला सा पोशाक किसके लिए बुनते हो। लाइक द प्यूम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मोर के पंख की तरह पर्पल ग्रीन कलर के ये तुम मोर के पंख की तरह पर्पल ग्रीन ये ड्रेस किसके लिए बुन रहे हो, बहुत चमकीला सा ड्रेस क्यों बुनते हो।
फिर जुलाहु ने रिप्लाई किया, अगेन वी वीव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। उन्होंने कहा कि हम बुनते हैं एक रानी का घूंघट। वेल मीन्स होता है घूंघट, मैरिज शादी, यानी कि कह सकते हैं शादी का जोड़ा या फिर घूंघट। हम रानी के जो शादी की या कह सकते हैं चुनरी, जो उनके शादी में जो चुनरी होती है दुल्हन की, हम उसको बुन रहे हैं। जो उनका थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन अ मूनलाइट चिल। कहती हैं इतनी चांदनी रात में तुम क्या बुनते हो वीवर्स, इतनी तुम लोग बहुत सोलमन एंड स्टिल, मतलब होता है कि बहुत शांत और बहुत गंभीर, ठीक है, तो इतने गंभीर हो, इतने शांत हो और इतनी रात में क्या बुनते हो। वाइट एज अ फेदर एज अ वाइट एज अ क्लाउड वी व्यू डेड मैंस फर्नल श्राउड। उन्होंने कहा कि हम ये जो, मतलब तुम ये रात में, तुम ये चांदनी रात में क्या बुनते हो, बिल्कुल सफ़ेद फेदर सा एंड क्लाउड सा, बादल सा सफ़ेद, फेदर सा सफ़ेद, ये सफ़ेद रंग की ड्रेस क्या बुन रहे हो तुम। तो जुलाहु ने रिप्लाई किया कि वी व्यू हम बुन रहे हैं एक डेड, जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उस आदमी के लिए हम लोग फर्नल श्राउड होता है कफन, जिसको बोलते हैं कफन, फर्नल श्राउड मीन्स होता है कफन, यानी कि हम एक जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लिए हम लोग फर्नल श्राउड बुन रहे हैं, यानी कि कफन बुनते हैं। तो इस तरीके से, मतलब उन्होंने, सरोजनी नायडू ने क्या एक इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो हमारा जीवन है वो थ्री स्टेज में उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया। फर्स्ट जो है हमारा बर्थ होता है, फिर बड़े होते हैं शादी होती है, फिर शादी के बाद जीवन कुछ टाइम के बाद फिर डेथ होती है। तो उन्होंने इस तरीके से उसको इंडिकेट किया। होप आपको समझ में आई होंगी लाइन्स, और फिर भी अगर कोई परेशानी, कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।